ये प्रश्न न सिर्फ आपके परीक्षा के दृष्टि से वरन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये मेरा हाथ है, ये इस तरह से आपका एक्स अक्ष हो जाता है और दूसरा क्या है वाई अक्ष पर है। इसका एक सिरा एक्स अक्ष पर रखा है और दूसरा सिरा वाई अक्ष पर रखा है। अगर मैं इस तरह से लकड़ी को रखता हूँ तो ये इस तरह से इसकी पोजिशन आ जाती है। ये इसके ये बीच का रेशियो 2:1 है। इसमें इसकी ज्यादा क्लियरिटी के लिए आइए चलते हैं अपने नोटपैड पर और इसको सॉल्व करके देखते हैं। का 30 सेंटीमीटर, यहाँ हमारे 30 सेंटीमीटर हैं। ए से लेकर बी तक की दूरी, बीच से किनारे पर सी पॉइंट इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे है कि 20, ये इनकी दूरी जो है एक दुगना है और एक कम है, अर्थात 2:1 है। सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, मान लेते हैं एक एक्स एक संख्या है, एक्स ले लेते हैं प्लस, प्रश्न के अनुसार क्या इनके बीच का रेशियो एक जो है उसका दुगना है, यानी दूसरा क्या हो जाएगा 2x, x प्लस 2x। प्रश्न के अनुसार x प्लस 2x की लंबाई कितना है, 30 सेंटीमीटर है। 2x प्लस 1 कितना हो गया, 3x, 30। तो देयरफोर x विल बी क्या करेगा, इसको 1 टाइम आ जाएगा, 3 दहम 30, ये आ जाएगा 10। इस ऑफ एक्स इज 10। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, दूसरी वैल्यू हमारे पास 2x है, 2x क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, अर्थात एक हमारे पास x है और दूसरा जो है 20 है, 10 और 20। इससे हमें ये चीज़ फाइंड हुई कि ये चीज़ हमारा जो है 10। अब इस पर हमें क्या करना है, सी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट और के मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट का पहला अक्षर क्या दिखाता है, बढ़ना, यानी एच ये बढ़ा है यहाँ से, इसको हम अगर हम एच ले लें। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या दिखाता है, के को दिखाता है। इस पर हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर ऐसे ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका के। एक इसमें इसके पैरेलल एक हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तरीके से, ये हो गया है ओ एक्स ओ वाई ओ, ए बी फिसलती है सेंटीमीटर, जिस पर एक क्षण 30 सेंटीमीटर प्रकार फिसलती है कि छड़ के सिरे सिरे लंब अक्षों पर रहते हैं। जो है दो तरह के ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। हम इसमें एक पॉइंट को M ले लेते हैं और एक पॉइंट को थोड़ी देर के N ले लेते हैं, लेता हूँ। और ये दूरी जो है H है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ H दिस, और ये दूरी जो है K है। ट्रायंगल मेरा ये बना है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। नाउ इन ट्रायंगल BMC लेते हैं थोड़ी देर के, थीटा है, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, ये साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इसको हिंदी में कहा जाता है लंब बट्टा कर्ण। साइन ये हो जाएगा आपका CM, परपेंडिकुलर हो जाएगा। CB क्या हो जाएगा इसका, ये आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज है इसका 10, यहाँ पे हम अपॉन 10। इसको इक्वेशन नंबर एक यानी कि समीकरण नंबर एक बराबर साइन थीटा बराबर। अब मैं दूसरा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा ये क्रिएट हो रहा है इस तरीके से CNA। CNA में कॉस थीटा, CN अपॉन AC अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको हिंदी में कहा जाता है आधार बट्टा कर्ण। यहाँ पे CN की वैल्यू रख देते हैं और AC की जगह पे AC की वैल्यू रख देते हैं। जैसे OM जितना है उतना ही CN भी है, इसलिए CN की वैल्यू भी इसमें यहाँ पर H हो जाएगा, H अपॉन 20, यानी ये हो गया आधार बट्टा कर्ण। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। एक से हमने साइन थीटा का वैल्यू निकाल दिया है, एक से हमने कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दिया है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के
स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। हमें इसमें इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है के जोड़ने पर, जोड़ने पर इससे क्या हो जाएगा आपका इसका इस वर्ग कर देते हैं क्या हो जाता है, ये पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं इनकी, इसी तरह से दूसरे का स्क्वायर कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर अपॉन 10 into 10, इसका ये मतलब हुआ 10 का स्क्वायर अगर हम लिखते हैं 10 into 10 प्लस एच स्क्वायर अपॉन 20 का मतलब वो क्या इतना हो गया 20 into 20। इसको हम और सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, अर्थात ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये आ गया है ना जाता है। इस पर हमें लिखना भी पड़ेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला इक्वल टू 1। अब इसको हमने इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया एच स्क्वायर अपॉन 400 प्लस के स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, वो क्या लिख सकते हैं हम एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा 400 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 400 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 400। अब क्या कहते हैं हम एच और के की जगह पे एक्स वाई लिख देते हैं, पर एक्स वाई रखने पर एक्स वाई एच के स्थान पर एक्स वाई रखने पर सी का बिंदु पथ प्लस ये क्या था प्रश्न के अनुसार इसका 2x का यहाँ पे लिख दिया हमने 2xy का स्क्वायर इक्वल टू 400 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 हो गया 4y का स्क्वायर इक्वल टू 400। ये हमारे बिंदु सी का बिंदु पथ है, ना सिर्फ ये आपके बोर्ड एग्जाम में बाकी प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा गया आंसर हो गया। इसी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अन्य प्रश्नों के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के बाकी प्रश्नों को अगले एपिसोड में सॉल्व किया जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।